विवाह वहीं से शुरू है। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, हमारे संजय भैया कमरनल के वीरस के विवाह होगा। विवाह वीरस से कौनो वीरस से कम ना बा। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, भगवान कन्हैया ने दुर्योधन से कहा पांडव पांच भाई है, पांच गांव दे दो, कोई लफड़ा नहीं। चक्रवर्ती राजा था दुर्योधन, कहा बिना लड़ाई के सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, दे देना चाहिए। अरे भाई अपन हक के हिंसा मांगत रहलन, लेकिन विपरीत बुद्धि च विनाश काले, जहां निमन बात बाउर लगे लगे, अब बाउर बात निमन लगे लगे, वही जैसे विनाश के घड़ी शुरू होला। नहीं दिया जमीन, नहीं दिया मकान, नहीं दिया पांच गांव, लड़ाई हो गई कुरुक्षेत्र के मैदान में। 18 हाथ गहरी खून की नदी बह रही थी। आज महाभारत के दो बड़े धुरंधर, एक तरफ महाभारत का महाबली कर्ण और एक तरफ अर्जुन पहुंचे हैं लड़ाई के मैदान में। उस समय का भाव कवि ने लिखा है, तनि बढ़ा दे बेटा सुत गिले, ऊपर वाला के तनि बढ़ाओ ट्रेबल, ऊपर वाले का थोड़ा सा बढ़ाओ नीचे, ठीक बात तनि ऊपर वाला बढ़ाओ बेटा, हेलो हेलो तनि सा और थोड़ा सा हल्का सा एक पॉइंट, हेलो भाव। उस समय का भाव कवि ने लिखा है, अर्जुन के रथ पर स्वयं भगवान कन्हैया सारथी बने रहो। दोनों बहादुर पहुंचे हैं लड़ाई के मैदान में, बाणों पर बाणों की वर्षा हो रही है। आज करे रथ पर भगवान कन्हैया सारथी बने रहो, ओकरा कौना चीज के गंबा, विरह के तेरी में कभी जी भाव लिख लें। अरे बदरिया संबर से ला बनवा, अरे बदरिया संबर से ला बनवा, अरे थाना करे और पर जब दो बनवा, बदरिया संबर से ला बनवा। में कुरुक्षेत्र के मैदान में हक हिंसा के लिए लड़ रहे हैं। अर्जुन जी बाण चला के मारे तो वन करे करा था, 18 हाथ पीछे हटत बा, और करे जब गुस्सा में आके बाण चला के मारे बम, अर्जुन के रथ 4 हाथ पीछे हटत बा,
अर्जुन के रथ पे भगवान कन्हैया शाबाशी दे तो बार बहादुर कर्ण बा कितना बलवान है तू। अर्जुन सुनना कहला किला बारे प्रभु खाला हमार पहिरे ला हमार रथ हाके ला हमार हम मारत बानी वो करत है अठारह हाथ पीछे हटत बा हमार कौनो बड़ाई ना आओ निपोरी बाण मारत बा हम हमार रथ चार हाथ पीछे हटत बा वही दुश्मन के बड़ाई करत हुआ। भगवान कहले अर्जुन बाहु तो होके घमंड हो गई बनाम अपनों का जब घमंड होता है कभी जी अपनों को जब घमंड होता है तो बड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है। करण अर्जुन तो होके घमंड हो गई बा तीनों लोग का भार लेकर के तुम्हारे रथ में बैठा हूं। करण बहादुर है अबे रथवा पर से उतर जाए सुथनी छीले लगवा और फैसला हो जाएगा लड़ाई के मैदान में। दोनों बहादुर डटे हैं विराह में तरह बदल गई मेहरारू का गीत बा। एक दिन हमार विराह रहे वो मेहरारू से खैर नीतूराज को तो मैं नहीं कहूंगा ये बोलत बा क्यों मेहरारू भैये ने कौन पहचान है जेकर ड्रेसे ऐसन बा। अच्छा जब मैदान में आ गई अब ओकर कवन डरबा कोना चीज के वो मरद हो चाहे मेहरारू हो लेकिन वो बिहार के मेहरारू वाला हमसे गाना रहल कहलस की सास मारे तनवा न नदिया मारे तनवा तनवा हई हो मारे ना हमरी भैया के सरवा तनवा हई हो मारे ना हमरे तरफ ओकर इशारा रहल हम सीधा साधा के भैया बिल्कुल संत आदमी हम गली सलाह बेकर हम जवाब कवन दे अगर कुछ कहबो ना करब तदमिया गहन के निहा एकदम संत बा एकरा कुछ कह ही ना आवत बा एक लाइन हम ओके जवाब देले रहली मेहरारू के गीत मेहरारू गावे और सासु मारा तनवा अरे नन दिया मारा तनवा तनवा है हो मारे ना अरे तनवा है हो मारे ना हमारी आगे के बिठनी तनवा है हो मारे ना कन्हैया होवन वही समय को बहुत बड़ बहुत विशाल सांप
सर्प पहुंचल करण के पास में कलश है, करण कहा देखे तो वो भैया अरे तनी अपनी बड़वा पर चढ़ा के छोड़ दे अर्जुन हित के रथवे काम घोट जाएंगे। ये अर्जुन मेरा दुश्मन है, बहुत ढेर दिन से हम तलाश में है कि कब मिल जाए। एक बार जंगल में आग लगा करके जितना सांप रहल सारे सर्पों को जला दिया। बताना हम कैसे बच गयी। हम बदला लेबे के ठल्ले है कि अर्जुन से बदला जरूर ले। तो भैया तोहरो काम बन जाए, हमरो काम बन जाए, तनी अपनी बाढ़ पर चढ़ा कम के छोड़म, अर्जुन के रथवे के घोट जाई। करण जब बाढ़ चलौ ले बा साफ जाके वही बाढ़ पर लपिटा गई बा। मुंह के निचला अंश धरती पर, ऊपर वाला आसमान में इतना पर हम सांप रहलू जब चला तो वहां पर भगवान कन्हैया इशारा करते हैं करण बहुत खतरनाक बाण चलाया है अर्जुन, अब संभालना होगा। धन्य है जदवंश महानायक मुरली वाले निटोर लाल, औरत के जमीन में धसा दिया नहीं तो अगर ऊपर रह रही तो साफ रथवे के घोट घल्ले रही। हबीब का करीमो हाफिज मुख से उचारे वो बदरिया संबर से ला बनावा मुकुट कट के बचल पारत के घर जमीन में रथ धसल भाई अर्जुन यवन मुकुट पहले रहल वही मुकुट पकड़ाई लोही के लेके सांप आगे बढ़ गई। वही समय करे के एगो रथ के पहिया जमीन में धस गई। रथ के पहिया काहे धसल तो भाई गैया वाला श्राप तुलाया ज्ञानी करो यकीन अरे ली लगाई रथ की पहिया अब तहिया खास जमीन। एगो चीज बता दें कंदरापुर में आप लोग विराह सुन रहे हैं, जे जवन कर्म करी ओके फल ये धरती पर जरूर मिली, ये निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। करण के एगो रथ के पहिया जमीन में धस गई। काहे जमीन में धसल, एक बार पांचों पांडवन के अज्ञात वास भई रहल कौरवों की ओर से। वो विराट राजा के समय बितावत रहलन, सहदेव जी गाय चरावत रहलन, कौरव पता लगावत रहलन कि पांडव कहा छिपल हो। करण के जानकारी हो गई और गैयन के बीच में सहदेव जी लुकाए लगलन, गैया भागे लगली आ करण बाण लेके लखेदे लगल, खुरपक्का बाण चला के करण मरलस कुल गई खान गईली, पैर में दर्द हो गई, लूहे गैया श्राप दिहलिन कि जा हो करण जैसे आज हमने के पैर से चलना जात पास जल में छोड़ के जाता ना, लड़ाई के मैदान में तुम्हारे रथ की पहिया धस जाएगी और तुम्हारे जाओगे। वह गई इनके श्राप लगल तबे से खुरपका रोग चल। करण के एगो रथ के पहिया जमीन में धसल बाम, बाया हाथ से करण रथ के पहिया निकालत, बदाही ना हाथ अर्जुन के तरफ, भैया रुक जाओ मत बाण चलाओ, धनी हमार रथ के पहिया निकाल ले मैदा तब लड़ाई करम। अरे लड़ाई में तो मजा तब आता है।
जब दोनों ओर के लड़ने वाले बराबर के होते हैं, हमारे रथ के पहिया धसल बातनी रथ के पहिया निकाल ले बेदा तब लड़ाई करब। कहर पर करे अर्जुन से तरज उबाम, हमने के छोटे छोटे रलियाओ घरी नाच में लोंडा है गीत के गावे। देखा पुरान चीज में जवन आनंद बा, नई चीज में ना बा। जैसे जैसे पुरान खाना और पुरान गाना और पुरान जनाना, ये हाथ कहा उठा के दिखाओ थो हाथ तो हाथ के हमके पुरान जनाना पूछे। अरे ना भैया के बताओ खुलासा, पहले के पुरनिया आदमी पे पुरनिया के ऊपर बात करी। हाँ सिंगर लेकर था तो टूटल बाप बहुत ढेर दिन पहले ही पैसा मंगलस पैसा के दिल्ली की दांत लगवा ले। देखा सही बात बता दे, ए भैया देख रहे लड़के, अरे बुलबक तो नहीं एकदम नशे हम हला कर ली हाले बनारस लेके, बहुत बढ़िया बा बहुत बढ़िया बा। हेलो सिटी ना दे मैनेज करो, देखा नीचे से सिटी उठी ना देखा हारमोनियम को बा। हेलो कहीं से सिटी है उसको देखा, कहां से सिटी बाप। हेलो अब ये सिटी बंद होत नहीं खे, देख लो उसको तो मधुर राज दूसरे तरफ चल बा। अरे जिंदर के बता दे नीतू राज, एक बारी गई अपनी ससुरारी दांत टूटले बा, एक साली लली सकली से किए जीजा ही जीजा है, बर्फ बेचे वाला पहुंचा रहा बर्फ बेचत रहा फिर कोई बजावत बजाओ गर्मी के दिन रहा कली से किए जीजा ही जीजा तनी बर्फ ना किंदा, तब मुंह खोले ना कि भाई मुंह हवा खोलता था तब टूटल बा देख लिया सब, कहा से किए जीजा ये जीजा तनी बर्फ किंदा, तो ये गमछा ले ले रहे गमछा से अपन ततवा हुआ टूटल बा कोई के धीरे से तोप के कलश की, तब ठीक है जरा जन मन करे के बस खा ले हम पैसा दे दे वही दांत के अंगुरी से तुपले रह, एकर बोली एहर लेते तोहर मुंह से जो बोली निकलत बा ओके दांत लगवा लो दांत, और बात खुलासा नहीं क्यों तो के बुरा मत मान, बात खुलासा नहीं क्यों पुरान मेहरारू सच्चाई बा, जवने घर परिवार में न रही है मलिकाई न चली तो वो परिवार के नाशे बा, पहले की जमाना के खाना पुरनिया लोग बैठ के सुनत बाड़ा, पहले की जमाना के जवन खाना रहल अब आँखी से देखे के नहीं के मिले थे वीआईपी व्यवस्था में, बहुत निमन निमन खाना चलल बा, बहुत बढ़िया बढ़िया चावल 350 रुपया किलो 1000 रुपया किलो चावल बा, लेकिन वो जमाना रहल साठी के भात हमनी के खेले है जा बजर बंगवा धान के चिवरा खाओ आदमी सलाउ में इतना मिठाई रह, वो बिना खाद के अनाज रहल गोबर के खाद से पैदा होके मरुआ के लीटी टांगुन चैन के भूजा, अरे महुआ का लाटा हो बहुत पुरान बात याद दिला दिले भाई, महुआ के लाटा में रारू ओखरी में मुसर से कूट दे सो में बरे तनी तीसी डाल दो सो वो मोटे मोटे लक्षा नियर निकले। अच्छा तू खैले हो कि ना नहीं खैले रहली खड़ी रास्ते में बिगा दे दी तेर बोलत बाज ई कुला नाद रह गई ई पहले के खाना हमें याद पड़ता उर्दी के दाल वही में तनी मेहरारू हीम डाल दो सर, साठी के भात से अपनी शान के खाओ अगर हिसाब से ना खाओ तो लुलहवा में बुझाओ कि भीतर ढुक जाई, इतना उनमें मिठाई रहल तो खाना भी चल गई। पहले के जमाना के गाना कैसन रहे भैया, फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है हर मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, क्या बात है। ये सब पहले के गाने थे इसमें मजा था आनंद था, अब तेरे घर के कुल गाना गाओ तर कैसन हो कि भैया के आवे के सुन के बाजार सजावत रहे,
देखनी साड़ी उठा के भौजी अपन दाढ़ी बनावत रहे। ई कुलगाना उल जुल चलल बा, पहले के जमाने के गाना बा। नाच जब होके हमनी के छोटे छोटे रहली जा जाई जा नाच देखे तलवंडा गीत के गावे। अरे नदिया के तीरे तीरे, अरे नैया चल धीरे धीरे, अरे बैठल बड़ पर सर मुनि मार के सनिया नैया खेले मनहिया। अरे रुकी जा हो यार जुन भैया, मान मन कह नवाए बजनी मार भैया बनावा। अरे रथिया निकाल निकाल देता हम तो रात भर बारी कर लाई। ये धर्म और शास्त्र नहीं बताता केहू गिर जाए वह सहाय हो जाए तो करी ऊपर हथियार चलावल जाए बाण चलावल जाए। रथ के पहिया निकाल ले बेदा लड़ाई हो खब। ये कुरुक्षेत्र का मैदान बना है आर पार का फैसला होगा अर्जुन। अरे रथिया निकाल तब तू लड़ी ले बतिया न बनब हो इंद्रत के पहिया निकाल ले बता भगवान के रैया सामने अल हम। अरे नाय अर्जुन अगर करण रथ के पहिया निकाल लेलस फिर तो से कबो मराई ना। सावधान हो जाओ मौके का फायदा उठा लो। आते हैं भगवान के नैया सामने कहे घनश्याम आज धर्म को बताते हो, अधर्म करने वाले धर्म को बताते हो। निहत है मन ऊपर जो अत्याचार हुई दुष्ट राजनीति वो कहा थी गई अलन करे। आज धर्म की बात करते हो। सातवें फाटक पर तुम्हारे महारथियों ने घेर कर एक अबोध बालक मनु की हत्या कर दिया। कहा तेरा धर्म था? क्या तुम्हारे खानदान का वो लड़का नहीं था? मरने के बाद जयद्रथ उसके सर पे अपना पैर रखा था। सभा के बीच में द्रौपदी नंगी हो रही थी, दुशासन चीर खींच रहा था। कारो पांडव दल के लोग बैठे थे मौन थे और करम तुम सामने बैठ करके हंस रहा था। क्या द्रौपदी तुम्हारे खानदान की नहीं थी? आज रथ के पहिया धसल बात तो धर्म की बात याद आती है। अर्जुन चुक जाओगे कर्ण नहीं मरेगा, मौके का फायदा उठा लो। यही चले अर्जुन घाती अरतान के मारे कर्ण की छाती बदरिया संबर से लबनवा कट गए बाह कर गिरल बाबा मौका पाके अर्जुन बाण चलाक मरलन हम। कर्ण के दाहिना हाथ कट के जमीन पर गिर गई। रोवा रोवा में बाण छिदाइल बा बाण की सरसैया पर पड़ा है कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण बा कटल बाम। भगवान बहुत मायूस है। कलन अर्जुन बादी के बिला मारे जाला कर्ण तो मारा गए, अब तो मर जाएगा। अब गिरल आदमी के काम आ रहे। पहले के जमाना में झगड़ा मार होके
अब मरद आदमी अगर गिर जाओ मैदान में तो सोराहना मरद आदमी जो होखे ओके छोड़ दे कि मरद आदमी के शान मारल जाला मरद के जान ना मारल जाला। ये पहले के मर्दन के इतिहास रहल। अब एक घड़ी की जमाना में आदमी पुड़ुकी खसले रहता मरला की बात भी टोक के देखा तो उनकी सांस चलत बाकी ना चलत। भगवान कहल के अब तो करण करा रहा है अर्जुन अब तो मर जाएगा अब क्या मारना है करण को। अब लड़ाई के मैदान से रथ वापस लेके अर्जुन के बैठा के जब भगवान कन्हैया चलन हो भगवान के आंख में आंसू बा दरम बा अर्जुन से ही है बतियावत मैदान से चलन हो एहरी के खोल के कभी लिखत होवन कभी जी बुरा मत मानिएगा लेकिन प्यार का इजहार किया है प्रेमी और प्रेमिका ने मुगले आजम फिल्म का ही गाना बाप जब प्यार किया तो डरना क्या करण गिरल बा मैदान में रोवत बा कराहत बा बाह कटल से छटपटा रहल बा भगवान अर्जुन से कोई है बात बतियाव जात हवन अब जग से तानी दीन चला भक्तों में मेरा परम भक्त करण अब मर रहा है मर जाएगा दुनिया सजा रहा है ऐसा दानी हमने नहीं देखा हर सुन तो प्रशंसा कर बलि अर्जुन के तन तीर चला रे अर्जुन सुन लो कहला बाहर भगवान घूस ले ले हुआ कहा लड़ाई के मैदान में रहला तो वही करने के बड़ाई करत रहला जौना करण के मार दे रहे बाह कट गई बा ओके बहादुर बतावत हो ओके दानी बतावत हो ओके भक्त बतावत हो भगवान कहे अर्जुन फूला मत करण बहादुर है और वो चीज बता दे दुश्मनों अगर बहादुर होके मर्द होके तो भाई होकर बहादुरी बतियावे के चाहिए दुश्मन भी है बहादुर है तो उसकी बहादुरी बतियानी चाहिए अगर अपने बा कायर बा डरपोक बा मऊगा बा उसकी शिकायत करने में भी कोई परहेज नहीं होनी चाहिए। भगवान कहले अर्जुन अभी करण जियत बा करण दानी बा किना बहादुर बा किना भक्त बा किना चला चल के करण के परीक्षा ले ले रथ के लौटा के लेके भगवान गिला है कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां करण गिरल बा आज परीक्षा ले पे भगवान अर्जुन के लेके जब पहुंचलन है
अरे मोहन अर्जुन अब पानी गहिले बभनवा तनवा महामेलन गिरा जहां पर चरण बलि बलवनवा तनवा महामेलन जय जय कार मनावे मोहन बनी के भी प्रदुखारी हो घर पे दूगो जवान बिटिया अबाड़ी मोर कुआरी हो शादी खातिर दे देता कुछ धनवा धनवा महामेलन कहा कर चल जा हमारे भवनवा धनवा महामेलन ब्राह्मण के रूप बना के मिला भगवान गिरा है वह बहादुर करण शरीर से खून बह रहा है करा रहा है महादानी करण की जय हो महाबली करण की जय हो। करण की आंखें खुल गई सामने दो ब्राह्मण खड़े हैं ब्राह्मण का वेश कहिए महाराज अब काम में रहू के टाइम हमके अब ना तो हम चैन से रहे दबा कहिए कैसे आना हुआ ब्राह्मण के रूप में थे भगवान करण की करण सुने हैं बड़े दानी हो बड़ी चर्चा है तुम्हारी हम जात के ब्राह्मण गरीब आदमी हमार दूगो लड़की सयान हो गई बड़ी रुपया नहीं बा बिटियन के ब्याह करी कुछ सुना दान में दे देता हमारी बिटियन के ब्याह हो जाए करण कहना सही वो कहला तो मरे के समय लेकिन आप खाली हाथ नहीं जा सकते कहा कर की घर वाली हमार हुई बहुत दानी हो रुपया पैसा दे दी है या दी है सोना चांदी हो चलिए हमारी घर एक खजाना बा कुछ रुपया पैसा सोना चांदी मिल जाए अपने बिटियन के ब्याह कर लिया कहे कृष्ण हम ना जाए भवन वनवा महामेलन आते ना हो तो दे दो कुछ हाथ नवा धनवा महामेलन कह रहा भगवान ब्राह्मण के रूप में रहन करण करण क्या मजाक कर रहे हो अरे हम तुम्हारे हाथ से दान लेने के लिए आए हैं देना हो तो अपने हाथ से दान दे हम तुम्हारे घर का दान नहीं लेंगे तुम दानी हो दानियों में तेरा नाम है तो अपने हाथ से दान दे दो सुचलस करण कि अब का हम दान दे आखिरी वक्त बाम दो ब्राह्मण नाराज होकर के चले जाएंगे जिंदगी भर के सोना दान कई बेकार आप ये लोग बतावे लो दिखल बाम कि करण का पति सोदा सोने का था वाह बारे बहादुर करण तलस मर जाए बूठे लेकिन के शादी में हमार दांत काम में आ जाए कलश महाराज तने पत्थर के टुकड़ी उठा के दे दा अपन दांत फूर के दे दी ले जा खूब मऊ से कर लेना अपने बेटियों की शादी तने पत्थर के टुकड़ा उठा के दे दा हम उठ ना सकीला बैठ ना सकीला सुतले सुतल दाहिना हाथ कटल बाए दांत के तूर के दे दे इतनी कठिन परीक्षा भगवान कहलन करण क्या मजाक कर रहे हो क्या बकवास कर रहे हो यार हम तेरा नौकर थोड़े है अपने हाथ से देंगे अपने हाथ से उठाओ पत्थर और तोड़ करके दो हम पत्थर के टुकड़ा उठा के दे दे हमार मजदूरी हो जाए ए भैया चल ना सकत बा करो बैठ ना सकत बा सुतले सुतल जमीनी पलटत पलटत बाण चुभल जात बा बाया हाथ से उठा लिया पत्थर के टुकड़े को और बड़े बेदर्दी से दाहिना हाथ कटल बाया हाथ से पत्थर के टुकड़े को उठा करके चलाता है अपने मुंह पे तोड़ दिया अपना पति सोदात मारे महाभारत का महाबली करण उस समय का भाव कभी ने लिखा है अरे तोड़ के पति सोदात तिहल दिशा मोहन के हाथ में लगल था भाई
बहन कन्हैया झूठा दान सफाई सफल हो दान हो देने लगा दान भगवान कले करण दान तो तुम ठीक दे रहे हो बहादुर लेकिन थोड़ी सी कमी है ये झूठा दान है। अरे केहू के दिहलो जाला तब फरेश सिंह दिहल जाला इमें खून लागल बा मवाद लागल बा दांत में इसको पानी से साफ करके दो कहां मिलेगा पानी। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 हाथ गहरी खोल की नदी बह रही थी कहां से पानी लाएगा करे मारे बहादुर महिला हाथ कटल बाप उठावा से अपनी धनु ही बाया हाथ से धनुष के उठवले बाप ली ओठ में सटवले बाप बाया हाथ से प्रत्यंचा पर मार चलाया है बाबू उठावा से अपनी धनु ही असतावल अरे तार के धरती अबे दिल बदलवा अरे तार के धरती अबे दिल बदलवा बाबू निकल पतर गंगा थार के धरतिया अरे निकल पतर गंगा थार के धरतिया गले के मुहावे महला गंधा एक ही हाथ से बाढ़ चला करके मारा है पताल गंगा हर हर करते हुए निकल गई। गंगा जी के पानी में दांत को धोता है वह बहादुर करण गिरा है का महाराज अब कई फरेश दान ले जा अपनी बिटियन के भी आ कैली हम प्रकट हो गए जदवंश महानायक मुरली वाले कन्हैया। कहते हैं करण बड़ी कठिन में तेरी परीक्षा लिया परीक्षा में पास हो गया हम अब हमसे कुछ वरदान मांग ले। करण कहलस प्रभु भगवान सौभाग्य अब्बा हमार की मरे के समय तुहरे चरण का दर्शन मिल गई प्रभु अब काम के वरदान दे अब चले दे अब आखिरी वक्त बाप तकलीफ बर्दाश्त ना हो बाप अब हमके मर जाए दे करण दर्शन दिया तो कुछ भी मांग लो कहो तुम्हारी माँ को जुटा देता हूँ मैदान में वही माई का लाल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। कैलाश करण सरकार अब का हमके भगव लड़ाई के मैदान में बहुत हमने देखा महाभारत के अंदर हमें कहीं शरण नहीं मिली गया गुरु द्रोण के आश्रम में सूत पुत्र कह करके मुझे वहां से भगा दिया गया पावल नहीं कहा गुरु द्रोण के दरबार में वही पढ़ेगा जो क्षत्रिय कुल का होगा। वहां से मैं पहुंचा परशुराम के यहां अपना नाम बदल दिया कि मैं ब्राह्मण हूं परशुराम को जानकारी हुई कि ब्राह्मण नहीं है तो सूत पुत्र है वहां से भी हमें भगा दिया गया अब हम के चले दे प्रभु हम मर जाएगा कल जब दर्शन दे ली तो पूछाऊ मांग ले कल जो मांगो दे दे बाप कहा मांगियो मांगो क्या मांगना चाहते हो। भर गया करण के आंख में आंसू कलश प्रभु वरदान देव तहे वरदान दे दो के धरती पर हम कुंवर माई की तन से पैदा रही हमारी माई के ब्याह ना भी रहल कुंवरापन में हमर माई हमके पैदा करके लोक लज्जा की भय से काट के बक्सा में बंद करके नदी में फेंक देहलस राधा नाव के मलाही न धीरथ नाम के मलाह पवलन ओ बक्सा के ले आके खोललन हमार पालन पोषण कैले हमके सयान कैले ई महाभारत में दिन देखे के मिलल प्रभु दगर बरदाने देव तई है बरदान दे दे कि हम कुंवर माई की तन से पैदा रहली ए धरती पर अगर कहीं कुंवर जमीन मिले दे दीजिए वरदान अगर देना चाहते हैं तो ये धरती पर कुंवर माई की तन से पैदा रहली हमारी मरला की बात अगर कहीं कुंवर जमीन मिले कोर जमीन जहां पशु पक्षी चिड़ै चुरु आदमी जन खूब कलता पलना होके
इस गोर जमीन पे ले जाकर के मेरी लाश को जला दीजिएगा, ताकि हमारे माता जी को भी शांति मिल जाए। मेरी कुंवारी माँ थी, कुंवारी जमीन पे ले जाकर के जला देना। यही कह करके दम तोड़ दिया करण। करण कैलाश के कंधा पर उठौला है भगवान और ले करके निकल पड़े संसार जहान में। कहा गोर जमीन मिलेगी प्यारे भक्त, करण कैलाश को जलाऊंगा। अर्जुन जी पीछे पीछे हुए, जेके बड़का घमंड भैरल कि हमरे नियर भक्त के वही है ना बाप, वो समय के भाव बाप। अरे दुलार कलसिया आप दुलार कलसिया की, ए बाबू करण दुलार कलसिया अल के घूमे बदन दुलार हो। अरे दुलार हमारे वरदान भी हल फेल हो जाए काम। मन में मोहन करो यकीन, छोड़ पाए नहीं जमीन रामा। करे दुलार कलसिया अहिले नदी तापी के किनार हो। गुजरात प्रांत में घूमत घूमत अहिले तापी नदी के किनारे जब खोज कैला कोर जमीन मिल गई, गुआर जमीन मिल गई। कितनी जमीन मिलल कतिल भर धरती मिली नोकेली, मात्र तिल के बराबर सरसों के बराबर पूरी नदी के किनारे जमीन मिलल। जमीन पर कैसे करे कैलाश के जलाई दान भगवान के नहीं आप। तिल भर धरती मिली नोकेली दुलार कलसिया हर कर पकड़े चीता तैयार हो। करे दुलार कलसिया सुई डाल के वो सरसों के बराबर जमीन पर उखरी। लोग पर अपन हाथ रख लें, सटल बहा तो सुई के लोग पर चिता तैयार कैलन और चिता सजा के प्यारे भक्त करण की लाश को जलाते हैं। कहते हैं अर्जुन तुम्हें घमंड हो गया था कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, जैसे कमाल को घमंड हो गया था हमसे बड़ा कोई जानकार नहीं, घमंड टूटा कमाल का। भगवान कहते हैं अर्जुन यही कारण था। अर्जुन कहले सरकार अब मैं भी चिता सजा करके मर जाऊंगा। उधर पर वही धन दौलत आई गाँव हक हिसाब, आने वाले समय में लोग महाभारत का पन्ना उलाटेंगे पढ़ेंगे क्या कहेंगे कि एक भाई ने अपने हाथ से एक भाई का खून कर दिया। हसला हठठाई के भगवान कहले अर्जुन ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कौरव अधर्म के तरफ थे, पांडव धर्म के तरफ थे, धर्म की विजय हुई। करण बहादुर था इसकी मजबूरी थी, कौरवों का नमक खाया था, कौरवों के तरफ से लड़ना इसकी मजबूरी थी, अपने बहादुरी का परिचय दिया। तो आखिरी लाइन में भाव है कुसुम पराग देवराग